हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरी टेक्नोलॉजी चैनल टेक्निकल एबी में। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था MIUI 10 के फीचर्स एंड रोलिंग डेट के बारे में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा MIUI 10 का फास्ट अपडेट के बारे में और उसका फीचर्स एंड फुल रिव्यू दूंगा। तो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को एंड चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते ही होंगे MIUI 10 का फास्ट अपडेट Redmi Y2 और Redmi Note 5 Pro में आया था। तो अगर आप Redmi Y2 और Redmi Note 5 Pro के अलावा और कोई भी Xiaomi के डिवाइस यूज़ करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में और सभी फ़ोनों में MIUI 10 का फास्ट अपडेट के बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, मैं अभी Xiaomi का Redmi Y2 यूज़ कर रहा हूँ। तो चलते जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग के बाद अबाउट फ़ोन में, तो आप देख सकते हैं ये है Redmi Y2 जो चल रहा है Android Oreo में। MIUI 10 का फास्ट अपडेट कंप्लीट हो चुका है इसमें। तो अभी हम चलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो सॉफ्टवेयर अपडेट में MIUI 10 का अगला अपडेट भी आ चुका है, लेकिन हम अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलते हैं 3 डॉट में और 3 डॉट के बाद वॉट्स न्यू में। तो आप देख सकते हैं वॉट्स न्यू में MIUI 10 का फास्ट अपडेट हो चुका है जो है MIUI V10.0.1.0, जिसमें फास्ट अपडेट आया है डिज़ाइन फॉर फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस। तो आपको चेंज फुल स्क्रीन वाले गेस्चर्स देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ नए तरीके का ट्रॉल्ड और स्मार्ट गेस्चर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ नेचुरल साउंड सिस्टम में भी अपडेट देखने को मिल जाएगा, जिसको आप अपने रिंगटोन, नोटिफिकेशन टोन और अदर टोन में भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ अदर इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑप्टिमाइजेशन में आपको AI का प्रोटेक्ट मोड देखने को मिल जाएगा और सिंपल कैमरा के लिए ब्लर आ जाएगा और आप बहुत सारे पोर्ट्रेट शॉट्स भी ले सकते हैं और क्लॉक और नोट्स में भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। ये एनेबल हो गया, तो यहाँ से मिडिल एरिया से स्वाइप अप कर देता हूँ तो हम पहुँचेंगे होम स्क्रीन में। तो इसको होल्ड करके रखेंगे स्वाइप अप करके, तो आ जाएंगे रिसेंट ऐप में। तो यहाँ रिसेंट ऐप में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं MIUI 9 में जैसे रिसेंट ऐप था, ये MIUI 10 में पूरा डिफरेंट है। और यहाँ ऊपर की तरफ स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी है और मेमोरी स्टेटस भी दिख रहा है और ऑल क्लियर का भी बटन दिया गया है। तो यहाँ ऑल क्लियर करते ही ये टिक हो जाएगा, तो ऑल क्लियर है। ये फीचर सिर्फ फुल स्क्रीन वाले फोन में ही यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ नेचुरल साउंड सिस्टम में। तो चले जाते हैं होम स्क्रीन में, उसके बाद क्लॉक के अंदर। क्लॉक ओपन होते ही यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थीम चेंज हो गया ब्लैक कलर में। तो यहाँ जाते हैं हम डायरेक्ट टाइमर में। तो टाइमर के बाद आपको यहाँ बहुत सारे नेचुरल साउंड देखने को मिल जाएंगे। इसको यूज़ करने के लिए पहले इसको डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसका मज़ा ले सकते हैं। ये भी है MIUI 10 का एक अच्छा फीचर जो आपको बहुत मज़ा। नेक्स्ट अपडेट है अदर इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑप्टिमाइजेशन जो क्लॉक और नोट्स में था। मैंने तो अभी क्लॉक के बारे में बता दिया, तो अभी चलते हैं नोट्स के बारे में। तो अभी चलते हैं नोट्स आपके अंदर। तो यहाँ पे आपको एक फीचर मिल जाएगा जो है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। आप यहाँ पे अपने जरूरी चीज को रिकॉर्ड करके रख सकते हो और जब भी चाहिए उसको यूज कर सकते हो। ये MIUI 10 का भी एक और अच्छा फीचर है जो बहुत।
जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन सेट में बहुत सारे चेंजेस हुआ है। यहाँ सभी ऑप्शंस को एक सर्कल के अंदर रखा गया है। ऊपर की तरफ सेटिंग, बैटरी स्टेटस, इंटरनेट स्पीड का मीटर और टाइमिंग, यहाँ पे सभी ऊपर का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ ब्राइटनेस को एक बार के अंदर रखा गया है। आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको साउंड बार में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, इस साउंड बार में यहाँ थ्री डॉट में ही क्लिक करते ही आपको साइलेंट और डीएनडी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से साउंड इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये साउंड बार में एक अच्छा इंटरफेस है जो बहुत कूल लग रहा है। अगला फीचर दिया गया है कैमरा ऐप में। आप तो जानते ही होंगे MIUI 10 में सिंगल कैमरे के लिए पोर्ट्रेट मोड को अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक फोटो क्लिक करते हैं, चलते हैं पोर्ट्रेट मोड को अंदर। यहाँ पे आपको जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है उसके ऊपर ये सर्कल को रख दीजिए। सर यहाँ पे थोड़ा लाइट कम है इसलिए हम अभी फ्लैश ऑन करेंगे। फ्लैश ऑन करके इसके बाद फोटो क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ, परफेक्टली फोकस हो गया। इसके बाद क्लिक करता हूँ, अभी फ्लैश को बंद कर देता हूँ। यहाँ से आप ऑटो अपने हिसाब से ISO और वाइट बैलेंस को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए मैं अभी यहाँ से ISO को चेंज करता हूँ मेरे हिसाब से। आपको जो क्लैरिटी अच्छा लगेगा वह आप वहाँ रख सकते हैं, और वाइट बैलेंस से भी आपके हिसाब से रखेंगे। तो ये था MI कैमरा आपका बहुत अच्छा फीचर एंड कूल फीचर्स। तो फ्रेंड्स, ये था MIUI 10 का सबसे अच्छा फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अभी मैं आपको एक शेड्यूल दे दूंगा और सभी Xiaomi डिवाइस के MIUI 10 अपडेट के लिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, और नए नए वीडियोस के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना।